हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो फर्ग्यूसन कॉलेज की फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, ये बात करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन नज़र आ रहा है इस लिस्ट के अंदर, कुछ चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए तो बहुत सारी चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। और जो कुछ भी अभी यहाँ पर समझ में नहीं आता है उसके लिए अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। तो ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स की अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं लगी है, जैसे कि एनिमेशन, बॉटनी, केमिस्ट्री और यहाँ पर डिजिटल आर्ट भी वोकेशनल के अंदर बात की जाए तो, और यहाँ बीएससी फिजिक्स, तो इन सारों की मेरिट लिस्ट नहीं लगी है, बाकी सभी की डिक्लेयर हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर टोटल बहुत ही सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपको, टोटल यहाँ पर लगभग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्होंने कॉल किया है। तो ये अभी तो हमें यहाँ पर नहीं चेक करना है, तो हम कहाँ पर चेक करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बैक आ जाएंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी के हम यहाँ नोटिस में चले जाएंगे। नोटिस में जाने के बाद जो है हमें कहाँ पर जाना है, यहाँ पर कट ऑफ परसेंटेजेस का। उससे पहले हम ऊपर की बात कर रहे थे, 21 जून को जो, यानी कल 21 जून है, कल आपको एक तो कॉलेज जा सकते हैं आप काउंसिलिंग राउंड के लिए, या फिर ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ओके, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक ऐप आता है वो आप डाउनलोड कर दीजिए, उसके थ्रू आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर पाएंगे काउंसिलिंग राउंड। तो इसमें बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर देंगे, ओके। उसके बाद जो है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम फर्ग्यूसन कॉलेज कैंपस, तो यहाँ पर कैंपस के अंदर एक काउंसिलिंग प्रोसेस रहेगी, मतलब आपको गाइडेंस किया जाएगा कि किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हम एडमिशन राउंड के ऊपर, मतलब टेबल राउंड जो है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको अगर बुलाया है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्होंने बुलाए हैं, जो भी नोटिस है उसके हिसाब से अगर देखें हम, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है अगर 78% है, तो आपको विजिट करना है कॉलेज 23 जून को, ओके। 23 जून को आप विजिट करेंगे, तो 23 जून को जो है आपको विजिट करना है 11 से 12 के बीच। तो स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज शुड बी रिपोर्ट इन गिवन टाइम स्लॉट ऑफ 10 AM to 11 AM, ओके। स्टूडेंट शुड प्रेजेंट फिजिकली, तो आपको वहाँ पर फिजिकली जाना है, आपका जो भी शेड्यूल दिया गया है टाइम शेड्यूल उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये जितने भी 6 कैटेगरीज है, इनको 11 से 12 के बीच आपको यहाँ पर विजिट करना है मेन बिल्डिंग फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के। उसके बाद जो 12 से 1 PM की अगर बात करें, तो ये सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स, और इतने अगर आपको परसेंटेज है यहाँ पर 88, एससी के लिए 75 और अबव इससे आपके परसेंटेज है, तो आपको विजिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन से यहाँ पर स्टूडेंट बुलाए हैं, और आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको लेके जाना है, फिजिकली ओरिजिनल प्लस 2 कॉपीज, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर फीस भी दी गई है, फीस आपको ऑनलाइन पेड करना होगी विद इन 3 वर्किंग डेज यहाँ पर दिए गए हैं, आफ्टर कन्फर्मिंग एडमिशन। ये आगे की प्रोसेस है, आपका जब भी एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा उसके बाद किस तरह से फीस पे करना है, ये आगे की प्रोसेस है, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी का हो गया है, तो अब यहाँ पर हम नीचे ओपन करते हैं कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस की भी नोटिस सेम उसी तरह की है, 21 को जो है आपको गाइडेंस मिलेगा किस तरह से करना है सारी चीज़ें। उसके बाद जो नीचे आएंगे, तो यहाँ पर ये परसेंटेज दिए गए, अगर 65 से ज़्यादा है तो आप जा सकते हैं एक राउंड के लिए 23 को। यहाँ पर ये जो C6 हॉल नंबर भी आपको याद रखना है, C6 है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर परसेंटेज देखें, तो ये 7 कैटेगरीज के लिए आपके परसेंटेज आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये SC ST और ये जितने भी परसेंटेज है, इससे अगर आपके अबव परसेंटेज है तो आपको सिंपली कॉलेज विजिट करना है 23 जून को, ओके। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर नीचे आएंगे कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस के अंदर,
तो बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर भी सेम है, आप एक ही प्रोसेस है। नीचे अगर हम चेंजेस की बात करेंगे, बीएससी कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक साइंस, तो यहाँ पर भी आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में यहाँ पर उस तरह से कट ऑफ परसेंटेज नहीं दिए गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट आप चेक करें इलेक्ट्रॉनिक साइंस की, अगर इस लिस्ट में आपका नेम है तो आप वहां पर विजिट करेंगे कॉलेज में, ठीक है। अगर आपका नेम नहीं है तो आपको वहां पर सेकेंड राउंड का वेट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल साइंस की, तो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए हम यहाँ पर पहले नोटिस ओपन कर लेते हैं। अगर नोटिस में सिंपली कट ऑफ परसेंटेज दिए गए तो यहाँ पर आपको 67 से आपके ज्यादा है तो आप विजिट करेंगे, ओके। महाराष्ट्र 70% से ज्यादा है तो आप विजिट करेंगे, तो ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी अदर परसेंटेज दिए गए हैं तो आपको 24 जून को विजिट करना है, ओके। अब यहाँ पर नीचे अगर आप आ गए जूलॉजी या स्टैटिस्टिक्स, तो जूलॉजी के लिए आपको ये वाली लिस्ट चेक करना है। तो यहाँ पर कट ऑफ परसेंटेज नहीं दिए होंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जूलॉजी के लिए आपकी ये वाली लिस्ट चेक करना है, कौन सी, महाराष्ट्र और नॉन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चेक कर दीजिए, अगर इसमें आपका नेम है तो आप विजिट कीजिए। और फिर भी क्लियरिफिकेशन के लिए आप जो है गाइडेंस राउंड जो होगा 21 को, वो आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और भी इन डिटेल आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं अगला वीडियो बनाकर दे दूंगा, किस तरह से करना है और क्या करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स।